जितनी जल्दी तुम केसर को हमारे पास लाओगे उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमारी भांजी की शादी उस सूरज के साथ हुई तो तुम्हारे साथ वो सब होगा जो तुमने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी इमेजिन नहीं किया होगा। भैया, अम्मा आपकी शादी किसी अमीर घर की लड़की से कराना चाहती है, इसलिए परेशान है ना? हाँ, पर है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। मना कर दो। अगर अम्मा मेरे लिए किसी अमीर बुढ़े को पकड़ लाई तो मैं तो साफ मना कर दूंगी। अरे अम्मा ऐसा कभी नहीं करेगी तुम्हारे साथ। तुम खामा खा इतनी चिंता करती हो। अगर कभी करने की ऐसी कोशिश भी की ना अम्मा ने तो हमें ना हम ऐसा नहीं होने देंगे। सच कहें आरती, अम्मा का ये पैसों के लिए पागलपन है ना, हम अच्छी तरह से समझते हैं। मतलब जिसने पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी हो उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी पैसा नहीं होगा तो और क्या होगा। हाँ भैया, तभी तो अम्मा मुझसे भी रील्स बनवाती है ताकि सोशल मीडिया से थोड़ी बहुत कमाई हो सके। वैसे भैया एक बात बताओ, आप जिस लड़की को पसंद करते हैं वो है कौन? तू पागल वागल है क्या? हम किसको पसंद करते हैं? कोई नहीं है। वाह 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 वाह, भैया आप इतने हैंडसम हैं, कोई तो होगी। सच सच बताइए ना भैया, कौन है वो? तू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर और जाकर अपनी रील्स बना जा। अच्छा सुन, ऐसे क्या देख रही है? एक कप चाय लेकर क्या? दर्द से सर फटा जा रहा है हमारा। ठीक है, अभी लाई। डॉक्टर पटेल, ये बापूजी के वाइटल्स का वीकली रिकॉर्ड है। ब्लड शुगर लेवल्स मैं रोज चेक करती हूँ तो नॉर्मल छे, पर 5 दिन से इनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। बा, अंबिका बेन, बापूजी की हेल्थ का बहुत डिटेल रिपोर्ट रखा है केसर ने। गुड जॉब केसर। वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, पर सच तो यह है कि जिस हालत में बापूजी है उस हालत में बॉडी के इंटरनल फंक्शंस धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। केसर, अगर कभी स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी कोई इमरजेंसी हो जाए और एम्बुलेंस को आने में समय लग रहा हो तो ये इंजेक्शन बापूजी की जान बचा सकता है, इसे संभाल के रखना। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी क्यों होगी? बात चिंता नहीं करो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, है ना? हूँ, चालू छू। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। अम्बे मानो खूब खूब आभार छे के बापूजी की तबियत ठीक छे, पर बाहर शाम को इतनी सारी तैयारियां करनी है, सब इतनी जल्दी होगा कैसे? मासू, मैं फैक्ट्री से आके सब करवा दूंगी। केसर, आज तारी सगाई छे ने, तू फैक्ट्री जा ही रही छे? एक्चुअली मासू, TDS और GST के कुछ पेपर्स है जो मुझे अकाउंट्स टीम के साथ डिस्कस करने हैं और आज ही साइन कराना है। और मैं ये डिले नहीं कर सकती क्योंकि अगर डेट निकल गई तो पेनल्टी लग जाएगी, पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। तो जल्दी आ जाए। हाँ, भाई। सूरज भाई, हमारे गिफ्ट्स। अरे भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? गिफ्ट्स लाए तो ना हमारे लिए। ऑफ कोर्स, चलो। ओए, ओ ये टैबलेट अंश तेरे लिए, इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। थैंक यू सो मच भाई। और रिद्धि, तुमने ये जैकेट मंगवाया था, साइज चेक कर लेना। अरे सूरज भैया, आप लाए हो तो परफेक्ट ही होगा। ध्रुवी, तेरा फोन। वाओ, थैंक यू सो मच भैया। और दर्शन के लिए ये वीडियो गेम। ओ, थैंक यू। यूके में बहुत क्रेज है इसका। वाह, मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है। तो दिया क्यों नहीं अभी तक? देना। ईस्ट और वेस्ट, सूरज भैया इज द बेस्ट।
अरे ओके 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 गाइस, वन सेकेंड। हाय, एक बात कहनी थी आपसे। मतलब आपको बुरा तो लगता होगा ना, उस केसर के वजह से आपको हम सब से ऐसे 20 साल तक दूर रहना पड़ा था। शादी का डिसीजन माँ का है अंश। आई एम हैप्पी टू डू इट। अंश तो हट भाई, ये देखो, ये है मेरे फ्रेंड की सिस्टर रूपल, IIM से MBA कर रही है। अरे सेकंड भैया, ये देखो, ये ना मेरी कजन की फ्रेंड है शिवानी, पता है न्यूयॉर्क से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। देखो अच्छी है ना। बहुत अच्छी है, लेकिन भाई बेस्ट चॉइस ना मेरी है। ये देखो, इसका नाम है एकता, ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और देखो ऑल इंडिया टॉपर, और कितनी प्रिटी है। आपके लिए परफेक्ट होगी भाई, आपको मिलना चाहिए इससे। हाँ भाई मिल लो। तुम लोग मुझे ये फोटोज क्यों दिखा रहे हो? अरे भैया, क्योंकि ये तीनों सुपर अचीवर्स आपसे शादी करना चाहती है। ये तो देख ही लिया होगा कि केसर से कितनी बेटर है। और भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप उससे शादी करने के लिए एग्री क्यों हुए। I mean, आप लंदन से आए हो, आप इतने स्मार्ट हो, हैंडसम हो। भाई द ट्रूथ इज के केसर आपके सामने ना कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली। नहीं, केसर बहुत अच्छी है सूरज भैया। आप इसे छोड़ो, आप ये बताओ इन तीनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, पर मुझे किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। पर क्यों भाई? आई मीन ऐसा क्या स्पेशल है उस केसर में? आई डोंट नो ध्रुवी, इतने सालों में उससे कोई बात नहीं हुई जो उसे जान पाता। माँ की इच्छा है मैं ये शादी करूं, दैट्स इट। पर सूरज भाई, आप ये भी तो सोचोगे, अगर केसर की जगह कोई और लड़की भी होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केसर से इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल है। मैं तो बस उस लड़की से शादी कर रहा हूं जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। और अगर अंबिका काकी गलत हुई तो? डोंट एवर से दैट रिद्धि, मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती, कभी नहीं। ये लीजिए पिज्जा है, गरम गरम। हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद आई। गिटार? आप गिटार भी बजाते हैं? मेरे लिए भी कोई गाना बजाइए ना। ये शादी है कि तलतल, जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतने गहरे धंसते जाते हैं। आपका बिजनेस हिंदुस्तान से बाहर है ना, सामान बेचने वाला, वो क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अच्छा 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 अच्छा, और फिर तो आप लोग विदेश खूब जाते होंगे जी। हमारी फैमिली ने तो पूरी दुनिया देखी है। अरे दादा, फिर तो शादी के बाद आपके दामाद की फैमिली भी घूमेगी क्या कबीर के पापा? प्लीज आप है ना बुरा मत मानना, वो क्या है ना कि हम शादी के लिए तैयार नहीं और अपने घर वालों से बोल भी नहीं सकते, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप है ना इस शादी के लिए मना कर दो, ठीक है शीतल बहन? अरे सारी बात आज ही कर लेगा का कबीर, शादी के बाद के लिए भी कुछ रखो, आओ बाहर। अरे आ रहे अम्मा। ठीक है ना, चले आओ बेटी, आओ आओ आओ। तो बात ऐसी है कि शीतल आप सबको कुछ बताना चाहती है, ध्यान से सुनना। हाँ बोलो शीतल। बता दो जो तुम हमें बोल रही थी। तुम
डरो मत शीतल, हम हैं तुम्हारे साथ, बता दो सबको। मुझे कबीर बहुत पसंद है। अरे तत्ता, बल्कि बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोग जल्दी से शादी कराइए प्लीज। अरे तत्ता, अरे हुई ना बात, अरे समधन जी बधाई हो। हमने तुम्हें बहन कहा था। हमारे गुजरात में हर किसी को बहन ही कहते हैं। अगर केसर की जगह कोई और लड़की भी होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केसर से इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल है। मैं तो बस उस लड़की से शादी कर रहा हूँ जैसे मेरी माँ ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। तुम केसर से शादी? तुझे जैसे पसंद है ना, बिल्कुल वैसी अदरक और सौंफ वाली चाय बनाई है केसर ने, ला बेटा। माँ, मुझे आपके हाथ के बने हुए चाय पीनी है। केसर पर सवाल उठाने का मतलब होगा मेरी माँ की परवरिश पर सवाल उठाना। केसर बेटा, बेटा हमारा बद्दा तरफ थी तने सगाई नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दिनेश काका, थैंक यू एवरीवन। पर इसकी क्या जरूरत थी बेटा? कितने समय से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। पहले तुम्हें होने वाली बहू कह के बुलाते थे, अब से बहू कहेंगे, केसर बहू। बेटा हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। केवल मासू की खुशी के लिए, उनके संकल्प के लिए शादी कर लेना, ये सही नहीं है। आखिर ऐसा क्या स्पेशल है इस केसर में? आई डोंट नो ध्रुवी, इतने सालों में उससे कोई बात नहीं हुई जो उसे जान पाता। माँ की इच्छा है मैं ये शादी करूँ, दैट्स इट। अगर केसर की जगह कोई और लड़की भी होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं केसर से इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल है। मैं तो बस उस लड़की से शादी कर रहा हूँ जैसे मेरी माँ ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। अबे चोर! अरे वो तुम्हारा केसर? अरे तुम्हारा दिमाग छुट्टी पर गया है क्या केसर? वो तुम्हारा पर्स लेकर चला गया और तुम यूँ चुपचाप खड़ी हो। तुम यहीं रुकना, हम आते हैं पर्स लेकर। हाँ देखो बेटा, हमारी टंकी में पेट्रोल फुल, जब दौड़ते दौड़ते थक जाओ हमें बता देना, हम तुम्हें धप से पकड़ लेंगे। चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अबे दौड़ो, अबे इतनी जल्दी थक गया? हमें लगा बड़ौदा जाकर रुकेगा। इधर इधर चोरी कर, चोरी कर, चोरी 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 चोरी, बस करो, कितना मारोगे? इधर रखो पर्स, इधर रखो, रखो इज्जत से रखो। गुजरात में गांधी जी की तरीके से नहीं रहना तो सरदार पटेल की तरह समझाएंगे, समझा? हाँ समझ गया। और चोरी मत करना आज के बाद। हाँ कसम नहीं करेंगे। मैं केसर से इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल है। मैं तो बस उस लड़की से शादी कर रहा हूँ जैसे मेरी माँ ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। केसर, लो इसे चेक कर लो, इसमें से कुछ गायब तो नहीं हुआ ना? क्या हुआ है केसर, तुम रो क्यों रही हो? देखो जब तक तुम हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बता देती ना, तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं है केसर राजगौर। याद है तुम्हें, आज से 8 साल पहले तुम ऐसे ही रो रही थी और तुमने हमसे बात की,
और तुम्हारा मन हल्का हो गया। अपने आंसू खुद पोछना सीखो, क्योंकि ये दुनिया तो दर्द का व्यापार करने वाली मंडी है, जहां पर आंसू पोछने की भी कीमत ली जाती है। बस समय ही बीता है केसर, हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। सूरज मुझसे सिर्फ इसलिए सगाई कर रहे क्योंकि इसमें मासू की इच्छा है, उनकी नहीं। और अगर ऐसे में हमारी शादी हो गई तो फिर वो भी मुझसे नफरत करेंगे जैसे बाकी सब करते हैं, और फिर वो ये रिश्ता मासू की खुशी के लिए निभाएंगे और खुद कभी खुश नहीं रहेंगे। तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि सूरज खुश नहीं रह पाएगा, और तुम्हारी खुशी उसका क्या केसर? बोलो। मेरे परिवार के हर सदस्य की खुशी में मेरी खुशी है। मैं तो इतने सालों से इंतजार कर रही थी कि कब ये शादी होगी और कब मैं मासू का संकल्प पूरा कर पाऊंगी। पिछले 8 सालों से हर दिन हर पल पूरे मन से मैंने खुद को राजकौर परिवार की होने वाली बहू माना है। देखो केसर, क्या है ना कि तुम जितना सोचोगी ना उतना उलझती चली जाओगी इसमें। तो तुम्हारे पास केवल 2 रास्ते हैं। पहला, ये सब कुछ जानते हुए भी तुम ये सगाई कर रहे हो, और दूसरा, तुम इस सगाई के लिए मना कर दो। हमारे लिए सब कुछ कितना आसान होता है ना, पर मेरे लिए नहीं है। अगर मैं ये सगाई करती हूँ तो सूरज के लिए रिश्ता बोझ बन जाएगा, और अगर नहीं करती हूँ तो मासू का संकल्प अधूरा रह जाएगा। अरे तुम फिल्में नहीं देखती हो क्या? ऐसी सिचुएशन में हीरो केवल एक ही बात कहता है कि जब भी कुछ समझ में ना आए तो अपने दिल का हाल अपनी माँ से जाकर कह दो। तुम भी जाओ, जाकर अंबिका काकी को सब कुछ सच सच बता दो। क्या है ना केसर, माँ होती है ना, उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। तो तुम भी जाकर के अंबिका काकी को सब कुछ सच सच बता दो। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। देखो, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी, और तब ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें सब पता था, उसके बाद भी तुमने ये बात उन्हें नहीं बताई, तब उन्हें ज्यादा दुख होगा। समझी? थैंक यू कबीर। इट्स ओके। केसर, तू आ भी गई, कितनी देर लगा दी बेटा। अच्छा, तू सगाई के लिए गहने चुन, और देख मैंने ना अलग अलग रंग के और डिजाइन के ये सब लहंगे मंगा के रख लिए। अच्छे है ना? बहुत अच्छे। मैं सोच रही थी कि ये वाला। मासू। हाँ बेटा। मासू। हाँ बोलो ना। क्या बात है केसर? मासू, मुझे आपसे कुछ कहना है। बता। मासू, जब से मुझे सच पता चला है, मैंने सूरज को अपना होने वाला पति माना है, और इस घर के बहू बनने के लिए पूरे मन से समर्पण किया है मैंने। मैं जानती हूँ बेटा, पर क्या? इधर आ, बस बैठ जा और मुझे खुल के सब बता। क्या बात है? आंसू,
सूरज अपने मन से मुझे पत्नी नहीं बनाना चाहती। वो ये सगाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 20 साल पहले आपने हम दोनों को एक करने का निर्णय किया था। आप ही कहती है ना मासू, जो रिश्ते दिल से नहीं होते वो बोझ बन जाते हैं। तो मुझे यही डर है कि कहीं ये अनचाह रिश्ता सूरज का जीवन खराब ना कर दे। ऐसा नहीं है केसर, अगर सूरज को तू पसंद नहीं होती तो वो तुझे कंगन पहनाता ही क्यों? ये सब बेकार की बातें सोच भी मत। उसने तुझे कुछ कहा? वो खुद कभी कुछ नहीं कहेंगे मासूम। वो एक्चुअली आज सुबह जब मैं फैक्ट्री जा रही थी तो उनके कमरे में से हंसने की आवाजें आ रही थी। वो सब इतने खुश लग रहे थे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पाँव कब रुक गए, और मैंने उनकी बातें सुन ली। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, उस डर से तेरा मन घबरा रहा है, मैं समझ सकती हूँ। पर बेटा, हो सकता है कि सूरज का वो मतलब ना हो जो तू समझ रही है। 20 साल लंदन में रहकर आया है, उसके कहने सुनने का तरीका हम सबसे अलग है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना बेटा। अब तू जल्दी जल्दी ये ज्वेलरी डिसाइड कर, मुझे और कुछ काम निपटाने हैं, मैं अभी आती हूँ।